हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं गाइस। आज मैं जा रही हूँ भंडारी जी के साथ साइड में। ये है मेरा मोबाइल रखने वाला पर्स, ये और अब जाने लगी हूँ मैं भंडार जी। वो वहाँ पे है, मेरे वेट कर रहे हैं। दौड़ देखो तो भंडारी जी ने लगा रखी दौड़। ये चला है काम। देखो गाइस, आमा आ गई यहाँ पे मंदिर में दिया जलाने के लिए। और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी तरह यहाँ पे दिया जलाती है। ये रोज़ इसी टाइम पे यहाँ पे दिया जलाने आती हैं और उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ मैं रोज़ आती हूँ दिया जलाने के लिए, और कभी मैं जल्दी आ जाती हूँ 6 बजे, कभी 7 बजे आती हूँ, और आती हूँ ज़रूर। और देखिए कितने अच्छी तरह विधि विधान से पूजा कर रही है। रोज देखिए पुराने ज़माने में ऐसी रेलिंग बनती थी, ये राजघराने वाली जैसी रेलिंग बनती थी। ये देखिए इस घर की भी रिपेयरिंग चल रही है गाइस। देखो जब ये बना होगा सबसे अच्छा घर बना होगा ये। देखो आज इस घर में कोई नहीं रहता है, ये घर खाली पड़ा है। और शायद इस घर की भी रिपेयरिंग चली है। पूरा घर सूना पड़ा है और अभी यहाँ पे सामान फेंक रखा है, और जो ये सामान फेंका है इसी घर की रिपेयरिंग होनी है यहाँ पे। ये पूरा बालू ईंट और कंक्रीट ये सब फेंके हैं यहाँ पे। मैं जाऊंगी छत में इनके। ये है अंदर का पोजीशन इसका। वो जो पहले दिखाया था वो फ्रंट का था। ये देखें
पहले जब ये घर में रहते होंगे इस मकान के लोग, तो यहाँ पर तुलसी लगाते होंगे। तो अभी भी देखो तुलसी मंदिर है, ये देखो सीढ़ियों से ऊपर को दूसरी मंजिल में के छत में, आगे से चला है भंडार जी का काम। ये देखो मैं दूसरी के छत में से वहाँ का व्यू ले रही हूँ। ये हमारे कारीगर हैं जो छत में चढ़े हुए हैं, ये डांस कर रहे हैं, उनको तो डर भी नहीं लग रही है। यहाँ पर छत में चढ़ के इतनी बड़ी हाइट में जा रहे हैं, फिर भी देखो काम कर रहे हैं और खुश है। ये देखो और ये यहाँ का व्यू है, कल जाना को कल आ लेट हो गया, आप कब जाते हो? हाँ अब मैं धीरे धीरे नीचे को उतर रही हूँ यहाँ पे। मिट्टी से ये घर लीप रखा है, देखो ऐसे फर्श डालते थे पहले, ये नया बन रहा है। यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, घर की रिपेयरिंग चल रही है, ये वाले घर की रिपेयरिंग चल रही है। ये देखो ये वाले घर की रिपेयरिंग चल रही है, ये और इसमें ये देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सब मिट्टी से लीप रखा है, ये मिट्टी का फर्श है। ये है नाशपति का पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा था, और इधर भी किसी बांस के पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बच्चे खेल रहे आगे, देखो गाइस यहाँ पर पहाड़ में कोयल की आवाज, देखो ये देखो आपको सुना रही हूँ कोयल की आवाज। ये देखिए कितनी अच्छी कोयल की आवाज़ आ रही है। ये हमारे वहाँ ये केले का पेड़ है, देखो हमारे पहाड़ में इतना बड़ा केले का पेड़ होता है, और ये बहुत और बड़ा होगा तब इसमें केले लगेंगे। है कद्दू के पेड़, ये है मिर्ची के पेड़, अभी छोटे छोटे हुए हैं, एक में तो फूल भी लगने लगे हैं। ये देखो तो गाइस इसके बाद मैं पैदल आई, भंडारी जी ने उतार दिया मेरे को बीच रास्ते पे, मैंने कहा मैं चल लूँगी और इतना पैदल भी चलना चाहिए। तो रास्ते में मेरे को एक शॉप मिल गई, दुकान मिल गई, जो कि उसमें सब आर्टिफिशियल माला और ज्वेलरी और ये कपड़े रेडीमेड कपड़े गारमेंट्स के वो रखे हैं, और वहाँ पर मेरे को बहन लोग मिल गए हैं, उनके साथ में बैठ गई, तो उन्होंने भी बोला थोड़ी देर आ जाओ हमारी दुकान पर। मैं उनके दुकान पर चले गई, और दुकान की मकान मालिक ये है मालकिन ये है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आना, और उन्होंने पूरा मेकअप से लेके कपड़ों का तक पूरा सामान रखा है, और सिलाई भी करती हैं ये, और फॉल पिको भी लगाती हैं और स्वेटर बनाती हैं। तो आप प्लीज़ आइएगा यहाँ पे। पहुँच गई घर, और कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट और लाइक करके बताना। तब तक के लिए बाय।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा।